नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आगरा के पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन पर बड़ा आरोप लगा है। निजी नर्सिंग होम के संचालक पर 22 मरीजों के मेडिकल मर्डर का आरोप लगा है। पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जानबूझकर रोक दी। ऑक्सीजन सप्लाई रोकते ही 22 मरीजों की जान चली गई। वीडियो में अरिंजय जैन एक शर्मसार करने वाला बयान देते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करते ही 22 मरीज छट गए। बता दें, जिस वक्त ये काला कारनामा हुआ उस वक्त अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। पिछले साल भी कोविड काल में पारस अस्पताल की घोर लापरवाही इसी तरह सामने आई थी। लापरवाही के चलते आगरा के आसपास के 10 जिलों में कोरोना फैल गया था। पिछले साल महामारी अधिनियम के तहत भी पारस अस्पताल के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी की मेहरबानी से ही सुपर स्प्रेड पारस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सीएम योगी से सवाल पूछा है। तो ये बड़ी घटना आगरा से सामने आई है, जहां पारस हॉस्पिटल के एक काला कारनामा देखने को मिला है। वहीं मामले पर डीएम का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आइए आपको वो सुना देते हैं। जनपद आगरा में 27 तारीख की सुबह और 28 तारीख को कुछ ऑक्सीजन की किल्लत थी। इसमें हम लोगों ने जो अपनी लोकल व्यवस्था की थी, हमारे यहाँ एक एयर टू ऑक्सीजन प्लांट था सिकंदरा में, वहाँ लगभग 900 सिलेंडर हमें 24 आवर्स में वहाँ से मिल जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहाँ भी कमी होती थी वहाँ 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे। इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे। जब इनकी और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी, वो सप्लाई नहीं कर पाए, पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था उसने इस समय काफ़ी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया। तो आगरा में ये कातिल अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया, जहां इस वक्त पारस अस्पताल पर गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त पारस अस्पताल के संचालक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया, जिसकी वजह से अस्पताल में मौजूद 22 मरीजों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। 96 मरीजों की जान के साथ एक साथ खिलवाड़ किया जाता है, वहीं 5 मिनट की ऑक्सीजन ना मिलने के कारण 22 मासूम मरीजों की मौत भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आगरा में जिला स्तर पर जिस तरह से यह घटना सामने आई है, जिस प्रकार से अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही जिसने इस वक्त पूरे प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि यह किस प्रकार से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, इन पे कोई भी नियम कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहे। वहीं इसी घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, इसका ये बहुत कहना गलत नहीं होगा कि पारस अस्पताल को कातिल अस्पताल कहा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो 4 वीडियो वायरल हो रहे हैं वो इस बात को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन की मॉकड्रिल का खेल रचा गया और 96 मरीजों में से इतनी सारी जाने जो गई थी वो अस्पताल की प्रशासन की लापरवाही नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि ये मौतें उस वक्त हुई जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी वो बहुत ज्यादा सक्रिय थी। ऐसे वक्त में लोगों को अस्पतालों में डॉक्टरों की जरूरत थी, इलाज की जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने के चलते अस्पताल ने इस तरीके का खेल रचा जिसमें कई लोगों की जान चली गई। 4 जाने तो कई हैं वो तो अस्पताल प्रशासन और डीएम खुद कह रहे हैं कि वो कोरोना के मरीज थे और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौतें हुई, लेकिन 22 जाने जो गई हैं उसके बारे में डीएम बैकफुट पर है और उनका बयान सीधे सीधे यही कहना है कि मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही है कि पारस अस्पताल में 22 लोगों की मौत हो गई वो पूरी तरीके से असत्य है। कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान जो है वो डीएम की तरफ से आया है और ये कहा जा सकता है कि जो वायरल वीडियो है उसमें डॉक्टर अरिंजय जैन जो उस पारस अस्पताल के संचालक है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे 5 मिनट का वो मॉकड्रिल किया और 96 लोगों में से 22 लोगों की जाने चलेगी। या तो वो एक वायरल वीडियो की सच्चाई है और उस सच्चाई को ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता है क्योंकि अस्पताल के संचालक ने ये बातें खुद बोली है। ऐसे में ये डीएम का बयान कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल है, कहीं ना कहीं जवाबदेही शासन स्तर को भी है और इसी को लेकर के शायद विरोधी पार्टियां योगी सरकार के ऊपर हमलावर है और लगातार विरोधी पार्टियों के जो आला कमान है, चाहे वो कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो,
तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं इस बात को कह रहे हैं कि अस्पताल संचालक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई जिससे कि वो नजीर बने और आगे इस तरीके का कोई खेल ना रचे। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं, जैसा कि अभी हमारी थोड़ी देर पहले आईजी रेंज आगरा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट अब तक इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि डीएम और सीएमओ की जो जांच कमेटी है वो इस बात को तय करेगी कि आखिरकार उसमें दोषी कौन है। उसके बाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है एफआईआर होने के बाद वो पूरी चालू होगी। अब डीएम अपनी कमेटी में पुलिस को क्या कुछ रिपोर्ट सौंपते हैं, शासन स्तर तक किस तरीके की रिपोर्ट जाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन 22 मौतें जो हुई है अस्पताल के अंदर, उसकी सच्चाई के लिए कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी करनी पड़ेगी और जो टीमें हैं उनको जाकर के वहां पर सीसीटीवी फुटेज से लेकर के वहां जो तीमारदार थे, जो पेशेंट भर्ती थे, उनके तीमारदारों से उनको बातचीत करनी पड़ेगी कि आखिरकार 28 और 27 तारीख की जो मौतें हुई हैं वो किस वजह से हुई है और अस्पताल में उसकी क्या लापरवाही थी और किस तरीके की जवाबदेही थी। तमाम चीजें वो इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जिला अस्पताल जिला प्रशासन कर रहा है और देखने वाली बात होगी कि अगर आखिरकार 12 अस्पताल के ऊपर ये सारी जो लाइबिलिटीज हैं, जो ये सारी खामियां हैं, अगर वो निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरफ्तारी होगी और एक सीजर की जो कार्रवाई है पारस अस्पताल के ऊपर वो बड़ी हो सकती है। लेकिन इंतजार इस बात का ही कि डीएम अपनी जांच में रिपोर्ट को क्या सौंपते हैं। जी, तो जिस प्रकार से हैरानी की बात तो है ही कि डीएम का बयान इस वक्त जिस प्रकार से सामने आया है वे बेहद ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। वही दूसरी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब पिछले साल भी महामारी एक्ट अधिनियम के तहत जब पारस हॉस्पिटल पे मुकदमा दर्ज किया गया था तो इस साल भी उसे कोविड हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जिस अस्पताल के ऊपर पहले इस तरीके की लापरवाही हो कि उसने बिना जिला प्रशासन को सूचना दिए हुए अपने अस्पताल में कोविड मरीजों को भर्ती कराया गया था, मीडिया की सुर्खियों में जब मामला सामने आया तब जिला अस्पताल के ऊपर एक कार्रवाई हुई, उसके ऊपर एफआईआर हुई। लेकिन बड़े स्तर पर एक प्रतिनिधि, ये कहा जाए कि राजनीतिक प्रतिनिधि ने की सिफारिश पर ये मुकदमे को खत्म किया गया और उसे उपाधि दी गई, उसे कोविड अस्पताल बनाया गया पारस अस्पताल को। तो कहीं ना कहीं मिलावट का खेल है। जिला प्रशासन के स्तर के अधिकारी चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ साथ जो चिकित्सक प्रतिष्ठान के जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता होगी और तभी शायद इस तरीके की पारस अस्पताल को दोबारा उपाधि मिली और इस तरीके का खेल हुआ। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है इसका उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो एसआईटी की टीम है उसको लगानी पड़ेगी। अब साक्षर किस तरीके से कार्रवाई करता है, किस तरीके से अपने पैर आगे बढ़ाता है, क्योंकि मामला अब मीडिया की सुर्खियों में नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी सियासत की जो एक हवा है वो लहराने लगी है और सरकार को घेरने लगी है। तो सरकार एक्शन ऑफ मोड किस रूप में ले जाती है, इस पूरी जांच को, जांच के दायरे को बढ़ाती या नहीं बढ़ाती है, ये शाम तक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ डीएम के एक जांच रिपोर्ट है जो शासन स्तर से लेकर के पुलिस के अधिकारियों तक जारी है, उसका इंतजार है और उसी इंतजार के बाद ये कहा जा सकता है कि पारस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई का डंडा चलता है या नहीं, ये जरूर तय हो पाएगा। जी, तो शिवा, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में विपक्षी दल भी अब शामिल हो चुके हैं, तो विपक्षी दलों के द्वारा क्या कुछ सवाल किए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, विपक्षी दल लगातार इस बात को लेकर कि कोरोना काल में लगातार ये अस्पतालों के ऊपर सवाल खड़े करते रहे हैं और इस बार भी पारस अस्पताल एक बड़ा मुद्दा है आगरा के अंदर और प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद ट्वीट कर इस मामले में सीएम योगी से जवाब मांगा है कि आखिरकार जो जांच है वो किस स्तर तक पहुंची है। अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की जान ली जा रही है और वो भी अस्पताल के अंदर जहां लोग जिंदगी के पाने के लिए उसकी उम्मीद के लिए जाते हैं, और तो इस तरीके में किस तरीके की कार्रवाई अस्पताल के ऊपर की जाए और आखिरकार जो दोषी है उनको किस तरीके की सजा दी जाएगी, इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद सीधे सीधे सवाल किया है। चाहूंगी अभी हमारे साथ विधानमंडल कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आराधना मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में कांग्रेस की अब क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, कार्रवाई तो सरकार को करनी है। हमने तो लगातार जिस दिन, जब से ये कोरोना के काल में जब से ऑक्सीजन की कमी से मरीजों का मरने का सिलसिला चालू रहा है, हम लगातार सरकार का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार विपक्ष उनको सचेत कर रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना में इतनी बड़ी, जब सोशल डोमेन में ये बात आ गई, एक डॉक्टर, जिम्मेदार डॉक्टर इस तरह का बयान दे रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? क्या कार्रवाई की सरकार ने अभी तक? अगर 22 मरीजों की जान गई ऑक्सीजन की वजह से, तो इस पे तो ये तो इससे बड़ी घटना तो और कोई नहीं हो सकती। ये तो मैस किलिंग है, मैसेकेयर है। ये क्या कर रही है सरकार? सरकार ने क्या कार्रवाई करी इस पे? वहां का प्रशासन क्या कर रहा था?
तो इसमें तो हम मांग करते हैं कि इसकी तत्काल जांच हो और जो भी जिम्मेदार लोग हो गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो वहीं आप जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है, वहीं देखा गया है कि मामला सामने के आने के बाद से आगरा डीएम इस पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने पूरा वीडियो है, वीडियो में साफ तौर पर संचालक ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 5 मिनट में 22 मरीजों की उनकी वजह से मौत हुई है, 5 मिनट के लिए उन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी। ऐसे में डीएम का इस तरीके का बयान किस प्रकार से आप देख पा रही है? देखिए, इस तरह का अगर एक जिलाधिकारी या कोई भी सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है तो मेरा इतना ही कहना है कि ये सरकार की नाकामी है और सरकार की शह पर है। अगर कोई जिम्मेदार अस्पताल का व्यक्ति, एक डॉक्टर, संचालक अगर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा है, या तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो सरकार को इस पूरे मामले की जाँच करनी चाहिए। कोई इतना कोई तो इसका जिम्मेदार है ना, उस 22 मौतों का जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, अस्पताल जिम्मेदार है, कोई ना कोई तो है ना जिम्मेदार, जो भी जिम्मेदार हो। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर डीएम ने ये बयान दिया है तो इसका मतलब है कि उनसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती निष्पक्ष जाँच की। तो अगर डीएम सरकार यहाँ से किसी एक टीम गठित हो, इसकी पूरे मामले की जांच हो, और जांच के बाद इस पे डीएम आगरा ने जो भी बयान दिया हो उसके खिलाफ जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही पिछली बार भी देखा गया था कि पारस अस्पताल पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे महामारी अधिनियम के तहत, इस बार भी उसे कोविड अस्पताल फिर से घोषित कर दिया जाता है, वहां मरीजों की जान के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। नतीजा यह होता है कि 22 मरीजों की इस तरह से मौत हो गई है। तो किस प्रकार से आप देख पा रही है जिला प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही सामने नहीं आई है? देखिए, अगर पहले भी इस अस्पताल के खिलाफ शिकायत थी तो सरकार को और वहां के जिला प्रशासन को सचेत रहना चाहिए था। पहली बात तो इस तरह के अगर शिकायत थी तो अस्पताल को कोविड सेंटर में तब्दील नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए लोग मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक भी था तो उसके ऊपर पूरी निगाह रखनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी जिलाधिकारी की या वहां पे जो सक्षम अधिकारी थे। और अगर नहीं हुई और 22 जाने गई हैं जिसका खुद विवरण वहां के संचालक ने ऑन रिकॉर्ड दिया है, तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई तो उसका संज्ञान सरकार ले, एक हाई पावर कमिटी के गठन करे और इस पूरे मामले की जांच करने के बाद जो भी इसमें जिम्मेदार है, अस्पताल जिम्मेदार हो, जिलाधिकारी जिम्मेदार हो, जिला प्रशासन जिम्मेदार हो, या जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आराधना मिश्रा जी आपका हम आपसे जुड़ने के लिए। तो इस वक्त कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो हमें तमाम जानकारियां दे रही थी। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन की इस मामले में घोर लापरवाही देखने को मिली है, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आवाज उठाई जाएगी और पीड़ितों के न्याय के लिए गुहार लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए शिवा शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो शिवा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साफ तौर पर इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही ही देखने को मिली है, चाहे पिछले साल की तुलना में इस बार भी अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल जानबूझकर घोषित कर देना हो या अब भी वीडियो सामने आने के बाद भी वीडियो को पूरी तरह से नकार देना हो। देखिए अनुष्का, इस बात को तो बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता कि वीडियो में कोई असत्यता है, क्योंकि 5 वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उसमें खुद जो अस्पताल के संचालक है अरिंद जैन, वो इस बात को कह रहे हैं अपने साथ से कि उन्होंने एक ऑपरेशन किया है मॉकड्रिल ऑक्सीजन का और उसमें से 22 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है सोशल मीडिया पे इन वीडियो को वायरल करते हुए, और पुलिस पूरी तरीके से इस केस को अगर हैंडल करना है, अगर इस केस की सच्चाई में जाना है बहुत गहराई तक, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। उस वीडियो को कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये फॉरेंसिक की जांच में और पुलिस के अधिकारियों की जांच में बहुत ज्यादा साफ हो पाएगा। डीएम और सीएमओ की कमेटी बहुत ज्यादा ये कर सकती है कि जो पारस अस्पताल के जो रजिस्टर है, जो वहां की डीबीआर है, सीसीटीवी फुटेजेस है, वो उनको कब्जे में लेकर के जांच कर सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको जांच का दायरा बढ़ा करके और आगे बढ़ रहा है तो पुलिस की मदद जरूर कहीं ना कहीं लेनी होगी, और ऐसे में डीएम
पुलिस को अभी बीच में इसलिए नहीं डालना चाहते क्योंकि उन्होंने शासन स्तर पर कह रखा है कि वो जल्द से जल्द सीएमओ के साथ मिलकर के इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो सच्चाई है जो मीडिया की सुर्खियों में 22 मौतों का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है उसको पूरी तरीके से पर्दाफाश करेंगे और उसको क्लियर आउट करेंगे कि आखिरकार अस्पताल में हकीकत में हुआ क्या। लेकिन जो 22 मौतों की जो बात मीडिया लगातार हम लोग भी बार बार उठा रहे हैं वो इसी बेस पर उठा रहे हैं कि खुद उस वायरल वीडियो में अस्पताल के संचालक इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने एक मॉकड्रिल प्लान की ऑक्सीजन की और उस ऑक्सीजन में छटनी हुई जिस तरीके से उसमें से 22 मरीज अचानक से छट गए। तो इस बात को कैसे आप अनुष्का नकार सकते हैं और जिला प्रशासन किस तरीके से नकार सकता है ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गले से नीचे नहीं उतरती और इसी बात को लेकर के हंगामा मचा हुआ है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अस्पताल प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और मेहरबानी वो किस तरीके की है ये तो पुलिस के अफसर और शासन स्तर के जो अफसर अगर जांच करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं इस बात का पता लगाया जा सकेगा। बहुत बड़ी मुसीबत है 22 जाने गई है और ऐसे में अस्पताल की लापरवाही और ऐसे में अस्पताल की जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लापरवाही हुई है तो उसमें से एक एक स्टाफ जो इस पूरे प्लान में शामिल रहे वो जिम्मेदार होंगे और उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की अगर आपदा उत्तर प्रदेश के अंदर या किसी देश के किसी जगह पर आती है और इस तरीके की हरकत अगर होती है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दिखा करके लोगों की जान ले ली जाए ऐसा किसी के दिमाग में ना आए तो एक नजीर जरूर पेश करनी है और इन्वेस्टिगेशन का दायरा और उसमें तेजी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा समाज विरोधी पार्टियों और ऐसा खुद ये कहा गया है कि पुलिस के आला अफसर चाहते भी है लेकिन वो सामने इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि डीएम और सीएमओ की अभी जांच चल रही है। ऐसे में उनको सीधे इंतजार है कि अगर उनकी डीएम से बात होती है अगर वो जांच रिपोर्ट उनको देते हैं तो एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद गिरफ्तारी का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन डीएम आखिरकार बैकफुट पर क्यों है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी शिवा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा से ये बड़ी खबर सामने आई जहां अस्पताल की इस प्रकार से घोर लापरवाही देखने को मिली। तो वही आगे बढ़ते हैं जहां सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना का टीका लगवाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना का टीका को बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे ना लगवाने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव के सुर अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि हम टीका लगवाएंगे। बता दें कि सोमवार को ही उनके पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कोरोना का टीका लगवाया था। मुलायम के टीका लगवाने के बाद अब अखिलेश ने भी वैक्सीन लगवाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रजनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि वो टीका लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ हैं पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग इसे नहीं लगवा सके हैं उनसे भी टीका लगवाने की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त राजनीतिक गलियारों से सामने आई है जहां आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टीका लगवाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि लगातार अखिलेश यादव टीके के खिलाफ थे। वैक्सीन को लेकर वो कई प्रकार की बातें कहते थे जिसमें उन्होंने टीके को भाजपा का टीका कहकर भी संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि वो भाजपा के वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वहीं सोमवार को जब उनके पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव टीका लगवाते हैं तो जिसके बाद से उन लगातार आरोपों की बौछार हुई कि पिता के पिताजी ने टीका लगवा लिया पुत्र टीका कब लगवाएंगे। जिसके बाद शायद हो सकता है कि अब अखिलेश यादव ने टीका लगवाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वो वैक्सीन लगवाएंगे। ये भारत की वैक्सीन है जिसे मैं लगवाऊंगा। ये भाजपा के टीका नहीं है। हम अभी भी भाजपा के टीके के खिलाफ है पर भारत सरकार के टीके को हम जरूर लगवाएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है वो भी अब वैक्सीन लगवाएं। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मातंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मातंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार अखिलेश यादव ने ऐलान कर ही दिया है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूटर्न बहुत होते हैं। एक बार फिर ये चीज देखने को मिली अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पहले वो वैक्सीन के खिलाफ थे। उन्होंने अगर आपको याद हो कोरोना की पहली लहर थी उसके बाद जब वैक्सीन इंडिया में आई तो उसको उन्होंने भाजपा की वैक्सीन कैसे संबोधित किया। तो साथ ही जो है पार्टी के तरफ से ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इसको लेकर ही बहुत ट्रोल हुए थे अखिलेश यादव। लोगों ने बहुत सवाल किया था कि ये तो वैज्ञानिकों की देन है, ये और भारत सरकार है और सरकार जो होती है वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो सबकी होती है। तो जाहिर तौर पे जो है इसको लेकर काफी हंगामा मचा था। उसके बाद
कल जैसा हम लोगों ने देखा कि जैसे ही मुलायम सिंह यादव की तस्वीर सामने आई मेदांता में वैक्सीन लगवाते हुए, उसके बाद से सोशल मीडिया पे फिर ये बहस छिड़ गई और लगातार लोग अखिलेश यादव को ट्रोल करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी अखिलेश यादव से सवाल किए कि अखिलेश जी, आपने जो भ्रम फैलाया था, इस तस्वीर से ये साफ होता है कि आपने कोरोना के लिए भ्रम फैलाया था, ये वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से ये वैक्सीन बनी थी और सबको ये इस महामारी में चूंकि वैक्सीन जो है सबको लगनी चाहिए, तो ये लगातार ये चल रहा था कई दिनों से। और उसके बाद कल जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की जब तस्वीर सामने आई समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बाद से ही लगातार लोग सवाल पूछ रहे थे। और आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया कि हम भारत की वैक्सीन लगवाएंगे, हम भाजपा की वैक्सीन के खिलाफ है, उसके बाद फिर एक बार जो है बीजेपी की जो प्रदेश यूनिट है उसको मौका मिल गया और अखिलेश यादव को लगातार अखिलेश यादव की खिंचाई हो रही है, लोग ट्रोल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है इसके लिए जो है, डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी सोशल मीडिया पर इसका जवाब देते हुए लिखा कि अखिलेश जी, आप पहले भ्रम फैला रहे थे, इसके लिए माफी मांगे और आपको जो है वैक्सीन लगवाए, इसलिए आपको देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। और जनता भी कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया पे जो है इसमें मजे लेने में पीछे नहीं है, वो भी अखिलेश यादव को ट्रोल कर रही है। प्रकार से देखने को मिला कि कल की तारीख में सोमवार को मुलायम सिंह यादव की तस्वीर सामने आती है जहां वो वैक्सीन लगवाते हुए दिखाई देते हैं, वहीं शाम को 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन होता है जिसमें वो वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे थे उनको लेकर भी जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही जो विपक्ष के द्वारा उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे वैक्सीन को लेकर, जितनी भी भ्रम फैलाए जा रहे थे उन पर भी उन्होंने तंज कसा, तो कहीं ना कहीं दोनों इन्फ्लुएंस होते तो नहीं दिखाई दे रहे कि हो सकता है कि ट्रोलिंग की वजह से या फिर उनको जवाब मिल गए पीएम मोदी से वैक्सीन को लेकर जो उनके सवाल थे। देखिए, भारतीय राजनीति में हमेशा से एक चीज है, जो भी दल विपक्ष में होता है और जो सत्ताधारी दल होता है, सत्ताधारी दल किसी भी अगर कोई भी काम करता है उसको विपक्ष, एक ये पिछले कई बार से हम लोग देख रहे हैं कि एक परिपाटी सी बन चुकी है कि सरकार जो भी काम करे विपक्ष जो है उसको जो है उसका विरोधी करता है, तो इसमें जारी तौर पर पहले ये लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन सच्चाई तो यही है वैक्सीन सबको लगनी है और वैक्सीन जो है वो आपके देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है, तो जाहिर तौर पे ये जो है किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं है, जिस तरीके से अखिलेश यादव बोला करते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, तो इसको लेके पहले भी ट्रोल हुए, आज जो जब उन्होंने ट्वीट किया तो सुबह से जो है सोशल मीडिया गरमाया इन्हीं बातों से है कि आखिर जब पहले आप वैक्सीन ही लगवा रहे थे अब क्यों लगवा रहे हैं। तो कुल मिला के बात तो ये है कि वैक्सीन सबको लगवानी है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या चाहे तो कोई भी पार्टी हो, है तो देश की जनता ही, और वैक्सीन जो है आपके देश में विकसित हुई है, जाहिर तौर पर वैक्सीन इस महामारी में एक वैक्सीन ही इलाज है और बाकी दूसरा कोई इलाज है नहीं, तो आपको वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है। ये राजनीतिक द्वेष की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि कोई जो है सत्ताधारी दल कुछ भी काम करे उसका विपक्ष विरोध करता है। जी, तो लगातार हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव के द्वारा वैक्सीन को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे थे, सपा पार्टी के कई नेता भी अजीबोगरीब बयान देते हुए दिखाई दे रहे थे जिसमें वो वैक्सीन को खतरनाक बता रहे थे, वहीं अखिलेश यादव ने तो भाजपा का टीका घोषित कर दिया वैक्सीन को, ये किस हद तक आपको सही लगता है? क्या इस तरीके से एक वैक्सीन का मजाक बनाना, स्वदेशी वैक्सीन जो हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत के साथ बनाई है, क्या उन पर इस तरीके के लांछन लगाना सही है? देखिए बिल्कुल, ये आप देखें पूरे विश्व में भारत इकलौता देश है जहाँ पे दो वैक्सीन बनी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसको जो है तमाम बाहर के देशों में भी भारत से डिमांड की, भारत ने मदद पहुंचाई, बकायदा वैक्सीन जो है विदेश भी गए, और ऐसे में अगर आप अपने देश की सरकार को ही जो है गलत ठहराते हैं, वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, जाहिर सी बात है ये राजनेता हैं और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो इनकी फॉलोइंग भी ज्यादा है, लोग भी इनको चाहते हैं, इनके ये लोकप्रियता इनकी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इनकी किसी बात का असर सीधे जनता तक पहुंचता है। ऐसे में अगर आप इतने बड़े नेता हो के और इस तरीके की बात करेंगे तो जाहिर तौर पे जो है ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जनता के बीच में पड़ता है। इसी को लेके जो अखिलेश यादव लगातार जो है ये हमलावर रहे वैक्सीन को लेके, लेकिन मुलायम सिंह यादव की जब तस्वीर सामने आई तो अखिलेश यादव को अपना दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद अखिलेश ने यू टर्न लिया और खुद वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए। साथ ही लोगों से भी अपील की जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाए। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीति में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यू टर्न यहाँ बहुत जल्दी होते हैं, यहाँ पे किसी भी बात के लिए जो है पहले बात कही जाती है फिर लोग उसको जस्टिफाई करते हुए यू टर्न ले लेते हैं, यही चीज इस मामले में भी देखने को मिली। जी, तो जिस प्रकार से अखिलेश का इस वक्त यू टर्न देखने को मिला है, क्या वो अपनी राजनीतिक छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से वो बयान दे रहे थे कहीं ना कहीं वो ट्रोलिंग के शिकार भी हो रहे थे, वही जब बीते दिनों उनके पिता ने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हें कुछ ज्यादा ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि अगले जो चुनाव विधानसभा चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में अगले साल, उसमें अपनी राजनीतिक छवि सुधारने का अखिलेश यादव ने प्रयास किया है? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति में होता है यही है कि आप जो भी चीज कहते हैं जो भी चीज करते हैं वो चुनावों को देख के किया जाता है,
क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज जो है कभी खत्म नहीं होती। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ट्रोल हो रहे थे अखिलेश यादव, और 2022 में विधानसभा चुनाव है, 6 महीने से ज्यादा का समय भी नहीं बचा, 6 महीने से कम का समय है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो है ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए भी यू टर्न लिया गया है, क्योंकि इसका सीधा का सीधा मैसेज जो आजकल तमाम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, आपकी एक एक गतिविधि सोशल मीडिया जो है आम जनता तक डायरेक्ट पहुंचती है, तो आप जिस तरीके से आपका बयान होगा जनता के बीच में जाहिर तौर पे जो है उसकी कहीं ना कहीं पैठ बनेगी। तो ये इस मामले में अखिलेश यादव ने जो यू टर्न लिया है जाहिर तौर पर जो है ये 2022 के चुनाव को देखते हुए लिया गया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया मार्टन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि वह भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए अब वो वैक्सीन लगवाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी भी वो भाजपा के टीके के विरुद्ध हैं। देखा गया था कि पिछले दिनों उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कोरोना के वैक्सीन ली थी, जिसके बाद से लगातार पूर्व सीएम अखिलेश को लगातार ट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद आज अखिलेश यादव का यूटर्न देखने को मिलता है, जिसके बाद आज उन्होंने वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर समेत सभी जिले अनलॉक हो चुके हैं। सिर्फ 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इन सभी जिलों में सक्रिय केस अब 600 से कम हो गए हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.85 लाख नमूनों की जांच की गई। रिकवरी रेट 97.1% है। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.2% इस वक्त पॉजिटिविटी रेट प्रदेश का बना हुआ है। प्रदेश में आज कुल सक्रिय मामले 14,000 बाकी रह गए हैं। इनमें से 9,286 लोग होम आइसोलेशन में हैं। सीएम योगी ने आगाह किया है कि वायरस कमजोर पड़ा है पर समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सभी के लिए जरूरी है और जिम्मेदारी भी है। बिना मास्क के बाहर ना निकले और सामाजिक दूरी का पालन करें। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश से ये अच्छी खबर देखने को मिली है। आपको बता दें कि 4 जिले ऐसे थे जिसमें अभी तक आंशिक कर्फ्यू लागू था। वहीं आज सीएम योगी ने आदेश दिया है कि जो आंशिक कर्फ्यू 4 जिलों में लागू किया गया था, अब उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। जो 4 जिले लखनऊ, गोरखपुर आदि बचे हुए थे, उन सब में अभी आंशिक कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। बता दें कि 600 से ज्यादा जिन जिलों में मामले थे, वहां पर आंशिक कर्फ्यू को खत्म करने की अभी इजाजत नहीं दी गई थी। वहीं अब अच्छी खबर सामने आई कि सभी जिलों में सक्रिय केस अभी 600 से कम है, जिसके बाद आज सीएम योगी का बड़ा ऐलान, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी जिले आंशिक कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। फिलहाल अभी भी कुछ रियायतें नहीं दी गई हैं। बाजार खोलने की अनुमति मिल चुकी है, पर फिर भी अभी भी कोविड नियम पालन करने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है। बात करें इस वक्त पॉजिटिविटी रेट की, तो पॉजिटिविटी रेट भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में अच्छी हालत में है। साथ ही सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस सिर्फ कमजोर पड़ा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अभी भी कोविड के जो भी नियम आपको दिए गए हैं, उन सभी का पालन करें। आपको बता दें कि अभी कोरोना के बीते 24 घंटों में मामले 797 ही सामने आए थे। अप्रैल माह में देखा गया था कि ये कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार जा चुका था, जिसके बाद लगातार सीएम योगी एक्शन में दिखाई दिए थे। उन्होंने जिलों के निरीक्षण किए, जहां पर उन्होंने कोविड टास्क फोर्स का गठन किया, लगातार अधिकारियों से बात की, वहीं जितनी भी अस्पताल में सुविधाएं थी उन सभी को मुहैया कराई, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया, दवाइयों की सप्लाई को उन्होंने बढ़ाया, जिसके बाद आज ये हमें फल देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आई है। वहीं इसी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश से ये एक राहत भरी खबर कि अब उत्तर प्रदेश के सभी जिले आंशिक कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नमस्कार, आपसे बता देना चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका सीधा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाता है।
आपने देखा होगा इस कोरोना काल में जिस तरह योगी आदित्यनाथ लगातार वर्चुअल मीटिंग में तमाम अधिकारियों से सारे मामलों की जानकारी लेते हुए कार्य कर रहे थे, जिसकी सराहना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी की, वही WHO ने भी इसको सराहा। और खास करके जो ट्रिपल टी मॉडल पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे थे, आज उसी की देन है जो इतने कम समय में ये रिकवरी रेट आई है। आज रिकवरी रेट 97.9 है और वही पॉजिटिविटी रेट 0.2 है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कार्य किया है, जिनके संरक्षण में ये सारी चीजें हुई हैं, तो सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद आम जनता में भी एक खुशी है। जी, तो जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि कल 4 जिले ऐसे थे जिसमें कोरोना कर्फ्यू को लागू रखने की बात कही गई थी, वहीं ये भी देखा गया कि लखनऊ में कल व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर देना चाहिए। तो क्या सरकार पर व्यापारियों के द्वारा, लोगों के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था कर्फ्यू खत्म करने के लिए? जी बिल्कुल, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का समय था, जिसको लेकर और किसी दबाव के कारण सरकार ने ये कोरोना कर्फ्यू नहीं हटाया। इसकी चीज पहले से ही क्लियर थी कि 600 के अंदर आने पर ही कोरोना कर्फ्यू हटाया जाएगा, जिसको लेकर भी मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर और लखनऊ में कर्फ्यू था, जिसके बाद से आज लखनऊ में 592 केस हो गए हैं, जिसके बाद आज देर शाम तक लखनऊ से DM ऋषिक प्रकाश जो है वो इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि कल से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। व्यापारियों में रोष था, लेकिन वो भी परेशान है, उनकी जीविका उससे चलती है कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार पे इस चीज का कोई दबाव नहीं था। जब आंकड़े गिरे हैं इसके बाद ही लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया गया। जी, तो अभिषेक, जिस प्रकार से देखा गया था कि अप्रैल माह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आंकड़ा संक्रमितों का 30,000 के पार जा चुका था, स्थिति इतनी विकट थी, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, शमशान घाटों की तस्वीरें हम देख रहे थे, जिनको देखकर मन इतना विचलित हो रहा था। अब शमशान घाटों में एक साथ हजारों शव, कई सारे शव देखे जा रहे थे, वहीं गंगा नदी में अभी कुछ वक्त पहले जो शव देखे गए, कहीं ना कहीं लोगों की हिम्मत टूटती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं आज जिस प्रकार से ये बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सामने आई है कि सभी जिलों में से कोरोना कर्फ्यू को हटा देना कहीं ना कहीं लोगों के आत्मबल को बढ़ाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये खुशखबरी तो है, लेकिन साथ में इस चीज की जानकारी रखनी चाहिए कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तीसरी वेव की भी बात हो रही है। अब इस ऐसे में जनता का कर्तव्य बनता है कि सारे नियमों का पालन करते हुए इस महामारी से बचने के उपाय को खुद भी फॉलो करें और साथ में सब आने वाले तीसरी लहर के लिए, अपने बच्चों के लिए तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी करी हैं, उनको फॉलो करें। ये जरूरी चीज होगी देखने वाली कि आम जनता अब कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद इन चीजों को कितना फॉलो करती है। जी, तो अभिषेक, जिस प्रकार से देखा गया कि जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश के उन जिलों में भी लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिली। जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, बाजारों में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है, ऐसे में सभी जिलों का अनलॉक कर देना क्या सरकार का एक अच्छी कोशिश है? क्या इसे पॉजिटिव एंगल से देख पाएंगे हम? एक्चुअली एक आंकड़ा बनाया गया था कि सभी जिलों में 600 से जब तादाद कम होगी उसके बाद ही हम क्या कहते हैं कोरोना कर्फ्यू खोलेंगे। अब आम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि सरकार की दी हुई गाइडलाइन और कोरोना को एक महज मजाक में न ले। ये दूसरी लहर में आज ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जहां दुख का माहौल न रहा। इसको देखते हुए एक आम जनता का भी कर्तव्य बनता है, सब चीज सरकार के हाथ में नहीं होती है। सरकार ने जो दायरे बनाए थे, जो नियम बनाए थे, लोगों की जीविका नहीं चल रही है, व्यापारी परेशान है, पटरी दुकानदार परेशान है, तो सभी को देखते हुए एक बुरे दौर से गुजरने के बाद ऐसा होता है कि आम जनता को इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने जो मॉडल पेश किया उसके बाद से बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अभिषेक, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आई उत्तर प्रदेश से, जहां लोगों के लिए एक राहत की खबर है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को आंशिक कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।